नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेताओं के सवालों का जवाब दिया। सीएम ने कहा कि यूपी को अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए $1 ट्रिलियन का लक्ष्य यूपी पूरा करेगा। 5 सालों में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ। यूपी डाटा सेंटर का हब बन रहा है। यूपी एक्सपोर्ट का हब बन रहा है। 2015 से 2016 में एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ था, आज 1.56 लाख करोड़ है। 6 एक्सप्रेसवे वाला यूपी पहला राज्य है। रेलवे का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में है। यूपी की चीनी आज एक्सपोर्ट हो रही है। गन्ना किसानों को 1.81 लाख करोड़ का भुगतान हुआ। आज 9 एयरपोर्ट पूरी तरह से फंक्शनल है। बेहतरीन कनेक्टिविटी ने यूपी के विकास को गति दी। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वजन के अनुरूप प्रदेश को विकसित करने के लिए बजट की जरूरत थी। पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य में यूपी अपना बड़ा योगदान दे रहा है। प्रदेश आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। तिकोनिया में अक्टूबर 2021 में हुई हिंसा के मामले में मंगलवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ट्रेनी के बेटे आशीष मिश्र समेत 14 अभियुक्तों के खिलाफ लखीमपुर खीरकी अदालत में आरोप तय किए गए। जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश सुनील कुमार वर्मा की अदालत में तिकोनिया कांड मामले में आशीष मिश्र समेत 14 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। आगे उन्होंने बताया कि जिन अभियुक्तों पर आरोप तय हुए हैं उनमें आशीष मिश्रा के साथ साथ अंकित दास, नंदन सिंह बिष्ट, लतीफ काले, सत्यम उर्फ सत्य प्रकाश त्रिपाठी, शेखर भारती, सुमित जयसवाल, आशीष पांडे, लवकुश राणा, शिशुपाल उल्लास कुमार उर्फ मोहित त्रिवेदी, रिंकू राणा, वीरेंद्र शुक्ला और धर्मेंद्र बंजारा शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि वीरेंद्र शुक्ला पर भारतीय दंड विधान की धारा 201 के तहत आरोप तय किया गया है। बाकी अभियुक्तों पर इन पर भारतीय दंड विधान की कई धाराओं और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत आरोप तय किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी दानिश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दानिश, आशीष मिश्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि बार बार वो सोचते हैं कि उन्हें जमानत मिल जाएगी या फिर वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। अब एक बार फिर से आरोप तय हुए हैं उनके अलावा 14 और लोगों पर। न्यायालय अगर ना होगा तो मुझे लगता नहीं कि किसी को इंसाफ मिल पाएगा। जिस तरीके से न्यायालय ने सख्ती दिखाई है और आशीष मिश्रा कहीं ना कहीं कई बार उन्होंने प्रयास किया लेकिन जमानत पर वो बाहर नहीं आ पाए, क्योंकि घटनाएं इतनी ज्यादा बड़ी है कि लगातार उनके रैली में किसी को कुचल देना हो, एक नहीं कई दाने चली गए खुलेआम। देखिए, अगर कोई देश का गृह मंत्री है तो उसको उसके बेटे को ये पावर नहीं है किसी की जान ले ले। संविधान व्यक्ति के तहत काम करता है और अदालत ने जिस तरीके से कड़ा रुख अपनाते हुए आरोप तय कर दिए हैं उससे एक बात तो साबित हो गई है कि कहीं ना कहीं कुछ जजेस या कुछ कोर्ट ऐसे भी हैं जहां पर अभी भी न्याय की उम्मीद मिलनी है और जजेस जो हैं या न्यायालय अभी भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और एक उम्मीद बची हुई है कि अगर इसमें आरोप तय हो गए हैं और अगर इसमें जजमेंट आ जाता है तो आने वाले समय में भी जो रास्ता है आशीष मिश्रा का वो मुश्किलों भरा लग रहा है। आने वाले समय में भी राहत नहीं मिलने वाली। बिल्कुल, देखिए अभी निचली कोर्ट से मामला आया है, मुझे नहीं लगता है कि जो है इनके पास कोई राहत मिलेगी। देखिए, जिस तरीके से अदालत ने अभी आरोप तय करके एक ईमानदारी की मिसाल पेश कर दी है तो कहीं ना कहीं जिनके लोग जिन लोगों की मौतें हो गई थी, जिनकी हत्या कह सकता हूँ मैं, उनके उम्मीद बनी होगी कि न्यायालय में तहत आज भी इंसाफ जिंदा है और आज भी वहां से न्याय होना है, क्योंकि वीआईपीज को या तो सजा नहीं मिल पाती है या फिर वीआईपीज पे कहीं ना कहीं छूट मिला करती है। लेकिन आशीष मिश्रा के इस मामले में कोर्ट ने कोई भी राहत नहीं दी है और राहत ना देने के चलते इस मामले को विपक्ष ने भी बहुत ज्यादा उठाया था, सरकार पर भी सवाल खड़े किए थे। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले पर एक्शन लिया जा रहा है, जिस तरह से आज अदालत की तरफ से फैसला आया है, उससे कहीं ना कहीं जरूर कहा जा सकता है कि विपक्ष भी चुप हो सकता है और कहीं ना कहीं एक संतुष्टि भी हो सकती है। नहीं, देखिए विपक्ष अभी इस मामले पे संतुष्ट नहीं होगा क्योंकि विपक्ष जब तक उस मामले पे आवाज विपक्ष ने उठाई थी और देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे से जुड़ा मामला है, अपराध भी जघन्य था और दूसरी चीज इस तरीके से निडरता से अपराध किया गया था
ब्रेल पर जब वो पहली बार बाहर आए थे तो मूछों पर ताव देते हुए आए थे, उसको पीछे भी एक कारण ये भी बताया जा रहा था कि सत्ता पक्ष के जो आदमी होते हैं उन पर कानून एक मकड़ी के जाले की तरह है, जहाँ छोटे लोग तो फंस जाते हैं लेकिन बड़े लोग उस जाले से फाड़ के बाहर आते हैं। जिस न्यायालय ने जो आज कड़ा रुख अपनाया है, इससे मुझे लगता है कि आशीष मिश्रा को या उनके सहयोगी जितने भी लोग आरोप तय हुए हैं, जितने भी आरोपी हैं, उनको राहत मिलेगी। और अगर उन्हें राहत नहीं मिलती है तो ये एक नजीर के तौर पर पेश होगा कि अगर कानून का दुरुपयोग किसी ने भी किया या कानून का उल्लंघन किसी ने भी किया तो वो भी सजा के हकदार होंगे और सजा दिलाने वाला न्यायालय होगा। यूपी में तो खासकर ऐसा नजर आता है। दानिश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुँचाने के लिए। तो आशीष मिश्रा सहित 13 लोगों पर आरोप तय हो चुके हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामला 2021 का तिकोनिया कांड, जिसको लेकर कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, कई लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में ये लग रहा था कि आशीष मिश्रा बच जाएंगे, इन पर हाथ नहीं डाला जाएगा, लेकिन कानून की पहुंच से आशीष मिश्रा नहीं बच पाए हैं और करीब करीब पूरा 1.5 साल हो चुका है और अब भी जमानत नहीं मिल पा रही है आशीष मिश्रा को। आज आरोप तय है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि भले ही आप VIP हो, लेकिन अगर आप दोषी हो तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शोपियां के शिरमल इलाके में मंगलवार को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बरामद किया गया है। इस बारे में पुलिस के शीर्ष अधिकारी ने बताया कि पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने शिरमल इलाके में एक IED बरामद किया है। इसके बाद तुरंत IED को निष्क्रिय किया गया और बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया। हालांकि सुरक्षा बलों की ओर से इसे लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस ने कहा कि दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के शिरमिल इलाके में एक IED बरामद किया गया। इसके बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस अधिकारी के हवाले से जानकारी मिली है कि शिरमिल इलाके में पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने एक IED बरामद किया। सूचना मिलते ही इसको निष्क्रिय करने के लिए बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। इसके साथ ही सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। सुल्तानपुर के गुप्तरगंज कस्बे में बाइक को बचाने के चक्कर में अनुबंधित रोडवेज पलट गई। बाइक विपरीत दिशा से आ रही थी। हादसे में बाइक सवार घायल हो गया। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 330 स्थित कूरेभार थाना क्षेत्र के गुप्तरगंज कस्बे के पास तेज रफ्तार से सुल्तानपुर से अयोध्या जा रही रोडवेज बस अचानक पलट गई, क्योंकि सामने से बाइक सवार आ रहा था, जिसको लेकर बस चालक अनियंत्रित हो गया। उसको बचाने के चक्कर में बस पलट गई, लेकिन उसके विपरीत दिशा से आ रही बाइक सवार बस की चपेट में आ गया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया है। ग्रामीण की सूचना पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस में घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया और बस को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जालौन में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस ने दुकान में घुसकर चोरी करने वाले शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि चोरों ने 4 दिसंबर को दुकान में चोरी की थी। पुलिस ने चोरों के पास से चोरी के सामान और नकद बरामद किया है। मामला जालौन के कुंठौद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ये देखिए, थाना कुठौन का मामला है। 5 तारीख यानी कल सोनू यादव पुत्र देव सिंह निवासी ग्राम धर्मपुरा बरेला थाना कुठौन के द्वारा सूचना दी गई कि 4 तारीख की रात्रि में उनके यहाँ जो दुकान है उनकी दुकान से दुकान की पटिया और प्लाई तोड़कर गुटखा बीड़ी सिगरेट इत्यादि कुल जो सामान है उनका 12,000 का लगभग सामान था और 2300 रुपये चोरी कर लिए गए हैं। इस संबंध में थाना कुठौन की पुलिस द्वारा काफ़ी तत्परता से कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर में ही अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम अभियुक्त का नाम रविंद्र कुमार पुत्र छत्रपाल है, निवासी ग्राम मोहन टू पुजारी थाना कोतवाली जालौन जनपद जालौन का रहने वाला है। और इसके पास से 100% माल की बरामदगी की गई है और इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी जैद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जैद, 24 घंटे के भीतर चोरों को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस की अच्छी पहल, लेकिन चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही है जालौन में। जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला कुटौन थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर इस चोरी की वारदात को 4 तारीख को अंजाम दिया गया था। और पुलिस आए दिन ऐसे चोर जो है ये जिला जालौन की नहीं है, बाहरी क्षेत्रों से आकर चोरी करते हैं, इसलिए पुलिस इनको पकड़ने में कभी कभी असफल रहती है, पर 24 घंटे के अंदर पुलिस ने इनको पकड़कर सराहनीय कार्य किया है। जैद, पुलिस कितनी सक्रिय नजर आ रही है इस मामले में? तो सक्रिय है, लेकिन बहुत सारी पिछली अगर चोरियों की हम बात करें तो उसमें कई बार ऐसा हुआ है कि पुलिस के हत्थे चोर नहीं चढ़ पाए हैं।
जी इसमें तो ये कहना मुश्किल होगा क्योंकि पुलिस कभी कभी चोरों को पकड़ने में असफल रहती है, पर इसमें प्रशासन को थोड़ी सख्ती बरतनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए जैद। तो जालौन की तस्वीरें जहां पर 24 घंटे के भीतर चोरों को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस का त्वरित एक्शन, लेकिन जालौन में चोरी की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। इसको लेकर पुलिस तो कह रही है कि हम सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, रात में गश्त भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी चोरों के हौसले कहीं ना कहीं बुलंद होते हैं। लेकिन ये उदाहरण पुलिस ने वाकई बहुत अच्छा पेश किया है, 24 घंटे के भीतर चोरों को गिरफ्तार किया, ऐसे में कहीं ना कहीं चोरों के मन में एक डर जरूर मिल सकता है। वही बस्ती जिले के छावनी थाना के एनएच 28 पर विधायक सांड का शिकार हो गए। आपको बता दें कि देवरिया जिले के रुद्रपुर विधानसभा के बीजेपी विधायक जयप्रताप निषाद के काफिले के आ गया अचानक छुट्टा पशुओं का झुंड आ गया और विधायक की तेज रफ्तार गाड़ी पशुओं के झुंड से टकराकर पलट गई। गनीमत रही कि विधायक जी बाल बाल बच गए, उन्हें हल्की फुल्की चोटें आई हैं और वहीं उनकी गाड़ी काफी डैमेज हो गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह विधायक और उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को रेस्क्यू कर गाड़ी से बाहर निकाला। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि जो विधायक थे उनको गंभीर चोटें तो नहीं आई हैं, लेकिन हल्की फुल्की चोटें आई हैं। गनीमत रही है कि वो बाल बाल बच गए हैं, लेकिन अगर छुट्टा जानवरों की हम बात करें तो ये एक बड़ा मसला है उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवरों को लेकर। विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल उठाता रहता है, किसान बोलते रहते हैं कि आवारा पशु छुट्टा जानवर हमारी फसलें पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं और ऐसे कई बार हादसे भी हो जाते हैं। अब इस पर किस तरह से एक्शन लेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट वाकई नजर आया। किसी तरह से स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी को सीधा किया गया और जो घायल थे उन सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। कल 5 दिसंबर को दिन में लगभग 10:30 बजे रुद्रपुर देवरिया के माननीय विधायक श्री जयप्रकाश निषाद जी अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से देवरिया से लखनऊ जा रहे थे। थाना क्षेत्र छावनी में खत्म सराय के पास सड़क पर अचानक एक छुट्टा जानवर के आ जाने से उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर उसे बचाने के प्रयास में पलट गई और इस सूचना पर तुरंत थाना छावनी की पुलिस मौके पर पहुंची और माननीय विधायक जी को गाड़ी से निकाला गया और उन्हें तत्काल प्राइवेट वाहन के माध्यम से इलाज हेतु श्री राम चिकित्सालय अयोध्या भिजवाया गया। वहीं अमेठी में एक अनोखा मामला सामने आया है। अमेठी में पुलिस पर युवक को अपराधी बनाने का आरोप लग गया है। युवक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस जबरदस्ती युवक को साइकिल चोरी के इल्जाम में फंसा रही है। पुलिस ने युवक को साइकिल चोरी के आरोप में जबरन चालान कर दिया था। साथ ही आरोप है कि युवक की मां चिल्ला चिल्लाकर पुलिस पर पिटाई का आरोप भी लगा रही थी। पीड़ित की मां को महिला पुलिसकर्मी द्वारा थाने के अंदर जबरन ले जाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। मामला जामो थाने के अजबगढ़ गांव का बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने अमेठी की तस्वीरें जहां पर युवक को अपराधी बनाने का आरोप घरवाले लगा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर महिला पुलिसकर्मी पीड़ित महिला को जबरन थाने के अंदर ले जाती हुई नजर आ रही है। लड़का हमार आवा भाई खिया वह का झूठा केस लगा दिए हैं, चोरी करे है जवन है बहुत बुरी मार मारे हैं। कौन सा थाना है? जामु थाना बाबा नगर, बाबा नगर। अब बहुत चोट आनौ रहा है मोटरसाइकिल में। आप अभी रोड पर रो रहे थे हाँ। तो आपको अंदर ले जाया गया था तो क्या हुआ थी? हुआ हमका का कहा था कि साइकिल ने तो लड़का सब ले गया। उसी पे हम कहा कि हमें चलो जो मंदिर पर कहा हुआ मंदिर पर हम अपन सिर पटक दी भाई कसम खा ली हमारा साइकिल आए हमारे हाथ की साइकिल आए। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी विक्रम भदौरिया मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है जिस तरह के आरोप परिवार लगा रहे हैं पुलिस पर? जी बिल्कुल, ये आरोप पहला नहीं है। अमेठी में आए दिन पुलिस कर्मियों पर आरोप लगते रहते हैं। इसी क्रम में अमेठी कप्तान लगातार आरोप झेलते रहते हैं, आरोप लगते लगातार आरोपों के घेरे में पुलिस रहती है, लेकिन कोई निराकरण नहीं हो पाता। इसी क्रम में जामो की नित्य पुलिस पर युवक को अपराधी बनाने का आरोप है। साइकिल चोरी में जेल भेजे गए युवक के परिजनों पर पुलिस गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने युवक की साइकिल चोरी के आरोप में जबरन चालान कर दिया है।
थाने के सामने महिला चिल्ला चिल्ला कर पिटाई करने का लगा रही है। पुलिस क्या कुछ कह रही है क्योंकि वीडियो भी सामने आया है और पीड़ित महिला भी कहीं ना कहीं पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रही है। पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले पर? इस पूरे मामले पर जहां तक बात की जाए तो पुलिस भटकी हुई नजर आ रही है। इस पर कोई अपनी तरफ से बयान न जारी करके लगातार अपना पक्ष पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है पुलिस। ठीक है विक्रम, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अमेठी का एक पूरा मामला है जहां पर एक महिला पुलिस पर आरोप लगा रही है कि उसके बेटे को जबरन फंसाने की कोशिश की जा रही है चोरी के आरोप में, साथ ही साथ उसको घसीट कर या महिला पुलिसकर्मी जो है वो थाने के अंदर ले जाती हुई नजर आ रही है। उसका सीधे तौर पर आरोप है कि उसका बेटा जो है वो यहाँ पर नहीं मौजूद था, लेकिन जबरन पुलिस उस पर साइकिल चोरी करने का आरोप लगा रही है। वही अलीगढ़ में सहायक आबकारी आयुक्त बच्चा लाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सहायक आबकारी आयुक्त एक ठेके पर ओवर रेटिंग की चेकिंग करने के लिए पहुंचे थे। सेल्समैन के दरवाजा खोलने में देरी होने पर सहायक आबकारी आयुक्त भड़क उठे और जैसे ही सेल्समैन के ने दरवाजा खोला तो सहायक आबकारी आयुक्त ने सेल्समैन के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। सेल्समैन के गाल पर तमाचा जड़ने का पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और ये वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज इलाके में स्थित एक शराब के ठेके की सहायक आबकारी आयुक्त को ओवर रेटिंग की लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। इसी शिकायत की सूचना पर सहायक आबकारी आयुक्त बच्चालाल की टीम के साथ उक्त थाने पर पहुंचे और सेल्समैन ने दरवाजा खोलने के लिए कहा, लेकिन सेल्समैन के दरवाजा खोलने में थोड़ी सी देर हो गई जिससे सहायक आबकारी आयुक्त लाल पीले हो गए और उन्होंने जैसे दरवाजा खोला न आव देखा न ताव देखा और सीधे उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया। ऐसा है, हरदुआगंज विदेशी मदिरा दुकान में ओवर रेटिंग की शिकायत मिल रही थी लंबे समय से, तो मैंने अपने उपाबकारी आयुक्त महोदय को सूचित कर दिया तो उन्होंने मुझे निर्देशित किया कि उसकी जाके जांच करें। और इससे पहले एक दो दिन मैंने खरीदारी करवाई थी। ये लोग क्या करते हैं कि जो बिजी टाइम होता है उस टाइम और पॉपुलर ब्रांड उसमें जो है बढ़ा के 10 रुपया 15 रुपया जो भी होता है लेते हैं, खास ब्रांड्स में जो ज़्यादा बिकता है। वो मैकडावल का जो पौआ 140 का मिलता है वो 150 में बेच रहा था। वही पीलीभीत में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता ने खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मामले को लेकर महिला के पति ने बताया कि उसके पत्नी ने सुबह खुदकुशी कर ली जिसकी सूचना ग्रामीणों ने उसे दी है, जिसके बाद आनंद फानन में अपने घर पहुंचा तो अपनी पत्नी को इस तरह से देखा जिसके बाद आनंद फानन में उसे उतारा, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मामले की सूचना बिरसंडा कोतवाली पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। घटना घटी है करीब 17-18 दिन से। एक लड़का वसीम नाम का बंदा खां का लड़का बहुत परेशान कर रहा था। हम लोग इतना परेशान थे, काफ़ी लोगों से हमने शिकायत करी गांव में, मगर हमारी किसी ने मतलब कहके नहीं दी और इतनी यही नौबत आने के खातिर हमारी बीवी ने फांसी लगा ली। और हम इतना दुखी थे मतलब कि हमने बहुत कोशिश करी कि कैसी करके कोई समाधान हो जाए, मगर कोई समाधान हमें नहीं मिला। पुलिस से कोई शिकायत करी थी? पुलिस से कोई शिकायत नहीं करी थी। कहाँ का लड़का रहने वाला है? लड़का कहाँ का रहने वाला है? पहाड़गंज का रहने वाला है, वसीम नाम है, बाप का नाम बुंदा है, बुंदा खां है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी प्रांजल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रांजल, क्या कुछ कह रही है पुलिस, ये खुदकुशी महिला ने क्यों की है? जी, जिस तरीके से मृतका के पति का जिस तरीके आरोप है कि गांव का ये लड़का जो उसको आज जो है परेशान करता है, इसकी जो है लगातार शिकायत दी जा रही थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। फिलहाल आनंद फानंद में उसने आत्महत्या कर ली, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पूरी छानबीन में जो है जुट गई है। वही मृतका के पति ने जो है इस मामले में जो है तहरीर थाने में दे दी है और इस पर जो है मुकदमा पंजीकृत कार्रवाई। क्या उस लड़के को हिरासत में लिया गया है अब तक प्रांजल? जी, जिस तरीके आज सुबह का ये मामला बताया जा रहा है, फिलहाल जब जानकारी ली गई थी तब उस समय तक गिरफ्तारी फिलहाल इस पूरे मामले में नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले में कार्रवाई करने में जुट गई है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए प्रांजल।
वहीं पीलीभीत में ही गैंगस्टर एक्ट के आरोपी पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की गई। गैंगस्टर जसवीर सिंह की 7 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर दिया। ये संपत्ति अवैध तरीके से पैसा कमाकर बनाई गई थी। जसवीर सिंह नाम का अपराधी अपने ढाबे से आसनों की सप्लाई और ड्रग का बड़ा कारोबार करता था, जिसको लेकर इसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। दरअसल पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र का रहने वाला जसवीर सिंह एक गैंग लीडर के रूप में काम करता है। इसने अपने साथ जसविंदर सिंह, सुफेंदर सिंह को मिलाकर एक संगठित गिरोह तैयार किया था। एक ड्रग माफिया है जसवीर सिंह, इनके द्वारा 2016 से पहले से बाहर से ड्रग्स ला के यहाँ बेचना और इनके ढाबा में ये सारी चीज़ें करा रहे थे। इस गतिविधियों के खिलाफ हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उसके तहत गैंगस्टर एक्ट भी लगाया है और शासन के नीति के अनुसार जो अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत उनके 7 करोड़ की संपत्ति जो अवैध ढंग से इन्होंने कमाया है उसको। हरदोई के शोहाबाद इलाके में जनसेवा केंद्र संचालक से लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 36,120 और 1 लैपटॉप, घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, अवैध असलाह भी बरामद किया। पुलिस को इन लोगों ने अपने अन्य साथियों के नाम भी बताए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। खुलासे पर SP हरदोई ने पुलिस टीम को 20,000 रुपये का इनाम भी दिया है। दिनांक 30/11 को थाना शाहबाद क्षेत्र में एक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक अपने घर से अपने केंद्र के लिए जा रहा था। बैग में उसके कुछ रुपए थे जो कि बिजनेस के थे। रास्ते में एक सुनसान जगह पर मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों ने, उसमें से एक ने इसके सर पर लोहे की रॉड से मारकर घायल किया। इसका बैग छीन लिया गया, लूट लिया गया और फिर फायरिंग करते हुए वो बदमाश वहाँ से फरार हो गए थे। इसी में जनपदीय पुलिस में सभी को लगाया गया था, जिसमें आज सफलता मिली है और 2 अभियुक्त जो कि थाना शाहबाद क्षेत्र के निवासी है उनको अरेस्ट किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी मोहम्मद आसिफ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, लगातार हम देख रहे हैं कि पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है। जो लूट की गई थी उस पर कहीं ना कहीं पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ऐसे में अब आगे किस तरह से पुलिस के सराहनीय कदम को सराहना मिल रही है लोगों द्वारा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस आबाद इलाके में जनसेवा केंद्र संचालक से लूट का पूरा मामला है। इसमें पुलिस टीमें लगाई गई थी और जिसका आज SP राजेश द्विवेदी द्वारा खुलासा किया गया है और पुलिस टीम को SP द्वारा 20,000 रुपए का नगद इनाम भी दिया गया है। जी ठीक है आसिफ, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। वहीं हरदोई के ही टंडियावा थाना क्षेत्र में भैंस चराने गई एक दलित किशोरी का फांसी के फंदे पर लटका शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। थाना क्षेत्र टंडियावा में एक कचनारी ग्राम है, वहाँ पे एक पंकज है, पुत्र परशुराम, इनकी बहन जिनकी उम्र करीब 17-18 वर्ष थी, ये वहीं कचनारी में ही जंगल पड़ता है पीछे, वहाँ पे जाके फांसी लगा ली। उन्नाव में दो पक्षों में मारपीट का लाइव वीडियो वायरल हो गया है। दरअसल पारिवारिक विवाद में 2 परिवार आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले हैं। वीडियो में महिलाएं भी मारपीट करते हुए दिखाई दे रही हैं। वहीं पीड़ित महिला ने मामले को लेकर बीघापुर थाना पुलिस को तहरीर दी है। मामला बीघापुर थाना क्षेत्र के बाजपेई खेड़ा का है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी मोहम्मद अब्बास मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं उन्नाव से। अब्बास, क्या कुछ जानकारी मिले, क्या वजह रही, किस तरह से मारपीट का वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ? जी बिल्कुल, आपको बता दें बीघापुर थाना क्षेत्र के बाजपेई खेड़ा का एक पूरी घटना है, जहाँ ये 2 पक्ष है जो आपस में मारपीट करते हैं। इनका वीडियो जो क्षेत्रीय लोग हैं वहाँ के उन लोग बना लेते हैं और जो ये वायरल होता है, वायरल के बाद ये वीडियो पुलिस के संज्ञान में आता है। पुलिस द्वारा इस पे निष्पक्ष कार्रवाई की जांच के लिए निर्देशित किया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो नाव की तस्वीरें जहां पर 2 पक्षों में मारपिटाई हुई, जिसका लाइव वीडियो सामने आया है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस छानबीन कर रही है।
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।